ओम शांति। सर्व शक्तिवान उस्ताद आकर जो हमारा परम सदगुरु है, हमें माया से युद्ध कराता है और इस माया पर विजय प्राप्त कराता है। माया से युद्ध करने के लिए वो हमें अपनी शक्तियां भी देता है और ज्ञान के दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देता है, प्योरिटी का बल भी देता है। हम याद रखें, हम युद्ध के मैदान में हैं और एक पहले से ही निश्चित बात जो हमारे नशे में रहनी चाहिए कि विजय हमारी ही होनी है, कल्प कल्प हमारी ही विजय हुई है। तो सेनाएं जब लड़ती हैं आपस में और एक को पता हो कि जीत हमारी होगी, तो उनके लड़ने का उमंग उत्साह और बल अनूठा ही रहेगा। हमें भी पहले से ही बाबा ने बता दिया है, जीत तुम्हारी ही है क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हम स्वयं को महावीर भी समझें, विजयी रतन भी समझें और ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न भी समझें। रोज सवेरे ये तीनों स्मृति के तिलक स्वयं को दिया करें, मैं युद्ध के मैदान में हूँ, मुझे माया को परास्त करना है, मैं महावीर हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ, साथ साथ सारे दिव्य शस्त्र ज्ञान के मेरे पास हैं, सुदर्शन चक्र मेरे पास है। दिखाया है श्री कृष्ण के पास स्वदर्शन चक्र था, कोई भी उसका सामना कर ही नहीं सकता था। वो जब चाहे स्वदर्शन चक्र चला के अपने शत्रु को नष्ट कर दे। हम भी स्वदर्शन चक्र के द्वारा इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि माया शत्रु हमारे सामने आने का साहस ही नहीं कर सकता। तो काम को जीतना है सबसे बड़ा युद्ध, काम के विरुद्ध है, फिर क्रोध के विरुद्ध है और फिर अहंकार के विरुद्ध है। बाकी तो सब छोटे छोटे सैनिक हैं, उन्हें तो सहज जीता जा सकता है। जो काम को जीत ले उसकी क्रोध पर भी विजय निश्चित हो जाती है, अहंकार की भी उसको डीप रियलाइजेशन हो जाती है और वो मनुष्य मान के द्वारा अपने अभिमान पर भी विजय पा लेता है। पर मुख्य चीज है काम वासना पर विजय प्राप्त करना। हजारों साल के वासनाओं के संस्कार हर मनुष्य आत्मा के अंदर हैं, मन भी उसमें इन्वॉल्व है, तो बुद्धि भी उसमें लगी हुई है, संस्कार भी सारे उसी के पड़ गए हैं। इसलिए किसी किसी को इस काम वासना को जीतना कठिन लगता है, परंतु हमारे पास पहला ज्ञान का शस्त्र है, हम देव कुल की पवित्र आत्माएं हैं। दूसरा है, हम जो सुप्रीम सोल है, संपूर्ण पवित्र है, उसकी संतान परम पवित्र आत्माएं हैं। मैं आत्मा पवित्र संस्कारों से युक्त रही हूँ हजारों साल, मेरे अंदर प्योरिटी के संस्कार हैं। इस ड्रामा में ये देह तो मुझे एक वस्त्र की न्यायी मिला है, मैं तो इससे भिन्न एक चेतन पवित्र स्वच्छ आत्मा हूँ, निर्विकारी हूँ। ये फीलिंग दें अपने को रोज सवेरे उठते ही, ये गुड फीलिंग देनी है, मैं बहुत पवित्र हूँ, देव कुल की महान आत्मा हूँ। पानी चार्ज करके भी पीना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ इस स्वमान के द्वारा। कर्मेंद्रियों को भी शीतल करना है, कर्मेंद्रियों में जो विकारों की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जिसका प्रभाव मन पर आ जाता है और मन अनकंट्रोल्ड हो जाता है, उस पर भी हमें विजय पानी है। इसलिए चार्ज करके पानी पीना है, भोजन भी पवित्र खाना है। बाबा की याद में मैं परम पवित्र हूँ, इस स्मृति में बाबा को अपने पास बुलाकर यदि हम भोजन ग्रहण करेंगे तो ये भोजन हमें पवित्र बनाने में बहुत मदद करता है। इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देंगे तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, परम धाम में है पवित्रता के सागर।
उनकी पवित्र किरणें निरंतर मुझ में समा रही हैं और मेरे से चारों ओर प्योर वाइब्रेशन फैल रहे हैं। ओम शांति।